हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन ए लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र, जिसके लेखक हैं जीएल फ्यून्स। तो आइए लेसन को शुरू करते हैं। द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एंटायर मतलब संपूर्ण वैली मतलब घाटी, वह घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला था, ओनली वन अकेला था, वह घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला था, सेटोन, सेटोन का मतलब स्थित था, ऑन द क्रेस्ट चोटी पर, ऑफ ए लो हिल, लो हिल मतलब निचली पहाड़ी की, वह एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, वह घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला था, वह एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुर्सी, कोई भी देख सकता था द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप मतलब पके हुए, कॉर्न मतलब अनाज, अनाज के पके खेतों को, डोटेड जो लदे हुए थे विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड जो सदैव वायदा करते थे, ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का। इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को, अनाज के पके खेतों को, इसके फूलों सहित देख सकता था जो सदैव एक अच्छी फसल का वायदा करते थे। द ओनली थिंग, केवल एक ही चीज़ की, द अर्थ नीडिड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, पृथ्वी को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, एक हल्की वर्षा की, और एटलीस्ट ए शोवर, या एटलीस्ट मतलब कम से कम, या कम से कम एक बौछार की। पृथ्वी को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, या तो एक हल्की वर्षा या कम से कम एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट मतलब दौरान, सुबह के दौरान, लेंचो, लेंचो ये इस लेसन में जो किसान है उसका नाम है, सुबह के दौरान लेंचो ने, हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली जो अपने खेतों को घनिष्ठता से मतलब अच्छी प्रकार जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया था, मतलब पूरी सुबह के दौरान लेंचो ने जो अपने खेतों को अच्छी प्रकार घनिष्ठता से जानता था उसने कुछ भी नहीं किया था। एल्स बट सीन द स्काई, आकाश को देखने के अलावा, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में आकाश की ओर देखने के अलावा उसने पूरी सुबह कुछ नहीं किया था। नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, वहाँ पे कोई स्त्री है जिसको लेंचो कह रहा है कि अब वी आर रियली, हमें वास्तव में गोइंग टू गेट, मिलने जा रही है सम वाटर, कुछ वर्षा, यानी कि अब हमें कुछ वर्षा या कुछ पानी मिलने जा रहा है। द वुमेन, वह स्त्री, वुआज प्रिपेयरिंग सफर, जो भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड्स विलिंग, अगर भगवान की इच्छा होगी तो, यानी कि अगर भगवान की इच्छा होगी या भगवान ने चाहा तो हमें वर्षा जरूर मिलेगी। द ओल्डर बॉयज मतलब बड़े लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे लड़के, वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के समीप खेल रहे थे, अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि उस औरत ने उन सबको नहीं पुकारा, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ, इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, मील मतलब भी भोजन होता है, ड्यूरिंग मतलब दौरान, यह भोजन के दौरान की बात है, जस्ट एज, ठीक जैसा, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी करना, जैसा कि भविष्यवाणी की थी लेंचो ने, क्या भविष्यवाणी की थी लेंचो ने, कि कुछ ना कुछ वर्षा जरूर होगी, तो भोजन के दौरान ठीक जैसी लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरने लगी, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स, विशाल पर्वत, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के विशाल पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग,
आते हुए देखे जा सकते थे। उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े बड़े पर्वत आते हुए देख सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ा और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी, नो अदर रीजन मतलब किसी और दूसरे कारण से नहीं, वेंट आउट बाहर गया, आदमी किसी और कारण से बाहर नहीं गया। देन टू हैव द प्लेजर, प्लेजर मतलब आनंद, ऑफ फीलिंग द रेन, बल्कि वर्षा के आनंद को महसूस करने के लिए ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। आदमी किसी और कारण से बाहर नहीं गया बल्कि वर्षा की बूंदों के आनंद को, प्लेजर मतलब आनंद को, अपने शरीर पर, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह वापिस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने विस्मय प्रकट किया। क्या कहा उसने? दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से पड़ रही है। उसका कहना था कि आकाश से जो ये बूंदें पड़ रही हैं ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। बिग, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बूंदें हैं, बिग ड्रॉप्स, वे 10 यानी कि 10 सेंट के सिक्के हैं। सेंट मतलब जैसे हमारे यहाँ पर रुपया होता है, ऐसे ही उस देश की मुद्रा रही होगी जहाँ पर ये पार्ट लिखा गया है। तो जो बड़ी बूंदें हैं वे 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वे 5 सेंट के सिक्के हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, एक्सप्रेशन मतलब भाव, एक संतुष्ट भाव के साथ, ही रिगार्डेड, उसने निहारा, देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, अनाज के पके हुए खेते को निहारा या देखा। विद इट्स फ्लावर्स, इसके फूलों सहित, एक संतुष्ट भाव के साथ उसने अनाज के पके हुए खेतों को इसके फूलों सहित निहारा या देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा के पर्दे में लिपटे हुए थे मतलब ढके हुए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक ही, ए स्ट्रोंग विंड, एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहने लगी, लेकिन अचानक ही एक तेज हवा बहने लगी। एंड अलोंग विद द रेन, और वर्षा के साथ साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, बहुत बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे, और वर्षा के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली, ट्रूली मतलब वास्तव में, ये वास्तव में डिड रिजेंबल, प्रतीत होते थे, रिजेंबल मतलब प्रतीत होना, लगना के समान, लगना, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों के समान, ये वास्तव में, ट्रूली मतलब वास्तव में, नए चांदी के सिक्के के समान प्रतीत होते थे। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन, एक्सपोजिंग मतलब कपड़े उतार कर, अपने कपड़े उतार कर वर्षा में चले गए। रेन आउट, बाहर दौड़े, टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, फ्रोजन मतलब बिखरे हुए, पल्स मतलब मोतियों को, यहाँ पर फ्रोजन पल्स ओलों को कहा है लेखक ने। तो लड़के जो है वस्त्र उतार कर बाहर वर्षा में चले गए और उन बिखरे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने विस्मय प्रकट किया, आश्चर्य प्रकट किया, मतलब लेंचो ने आश्चर्य प्रकट किया कि अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं इच्छा करता हूँ, इट पासेज क्विकली, कि यह जल्दी ही थम जाए, रुक जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी ही नहीं थमा, जल्दी ही नहीं रुका, मतलब जो ओले पड़ रहे थे वे जल्दी ही नहीं रुके। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल मतलब ओले, रेंड बरसे, ऑन द हाउस घर पर, द गार्डन बाग पर, द हिल साइड पहाड़ी पर, द कॉर्न फील्ड अनाज के खेतों पर, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी पर। एक घंटे तक ओले घर पर, बाग पर, पहाड़ी पर और अनाज के खेतों पर और संपूर्ण घाटी पर एक घंटे तक ओले बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था, एज इफ मानो की कवर्ड विद साल्ट, मानो की से नमक से ढक दिया गया हो, सोल्ट मतलब नमक, खेत इतना सफ़ेद हो गया था कि मानो की से नमक से ढक दिया गया हो। नोट ए लीफ, लीफ मतलब पत्ता, रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा था। द कॉर्न मतलब अनाज वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट करना,
अनाज को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया था। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गिर गए थे। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा वाज फील्ड भर गई थी विद सैडनेस, सैडनेस मतलब दुख, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। वैन द स्टोर्म हैड पास्ट, जब स्टोर मतलब तूफान, पास्ट मतलब गुजर गया था, थम गया था, जब तूफान गुजर गया था, ही स्टूड, वह खड़ा हो गया इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने बेटों से कहा, क्या कहा, ए प्लेग, प्लेग होता है हमला, ऑफ लोकस्ट्स, लोकस्ट होते हैं टिड्डी दल, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, उसने कहा कि अगर एक टिड्डी दल का हमला भी होता तो भी इससे अधिक अनाज बच जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट, वह रात, वाज सोरोफुल वन, दुख से भरी रात थी, सोरोफुल मतलब दुख से भरी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत, हमारा सारा काम बेकार हो गया। देर इज नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल, गो हंग्री मतलब भूखे रहेंगे, हम सभी इस साल भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में, सभी के दिलों में, वो लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस एकांकी घर में रहते थे, सोलिटरी मतलब एकांकी घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो घाटी के मध्य में था, लेकिन सभी लोगों के हृदय में, जो उस एकांकी घर में रहते थे जो घाटी के मध्य में स्थित था, देयर वॉज ए सिंगल होप, एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता। डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो, इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, टोटल मतलब पूर्ण, यह एक पूर्ण विनाश लगता है, पूर्ण हानि लगती है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन मतलब कोई भी, डाइज मरता है ऑफ हंगर, भूख से, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट इज वाट दे से, कहते तो ऐसा ही है, दैट इज वाट दे से का मतलब है कि ऐसा ही कहा जाता है या ऐसा ही कहते हैं लोग, ऐसा ही कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, यानी कि पूरी रात के दौरान, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होम, लेंचो ने केवल अपनी एक ही इच्छा के बारे में सोचा, आशा के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, किसकी आंखें, भगवान की आंखें, हुज आइज मतलब भगवान की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, निर्देश दिया गया था, किसको, लेंचो को, जैसा कि लेंचो को निर्देश दिया गया था, बताया गया था, उसकी आंखें मतलब भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज को देख लेती है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शंस, कॉन्शंस मतलब अंतरात्मा में, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के अंतरात्मा में छिपी बात को भी, गहराई में छिपी बात को भी देख लेती है। लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन, लेंचो आदमी के रूप में एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक पशु के समान काम करता था इन द फील्ड्स, खेतों में। लेंचो एक आदमी के रूप में एक बैल था, क्यों, क्योंकि वह खेतों में एक पशु के समान काम करता था। बट, लेकिन, स्टिल, अब भी, ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अब भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, दिन के निकलने पर, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना आरंभ किया, शुरू किया, विच हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं कस्बे में ले गया, एंड प्लेस इन द मेल और डाक में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था। गॉड, भगवान, हीरो, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरा परिवार विल गो हंगरी, भूखे रहेंगे दिस ईयर,
मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो, सो मतलब बोना, बोने के लिए, इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, बोने के लिए, माई फील्ड अगेन, मेरे खेत को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव और रहने के लिए मतलब आजीविका चलाने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स जब तक की फसल नहीं आती है, मुझे अपने खेत को दोबारा बोने के लिए और रहने के लिए, जीने के लिए 100 पीसोज की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टोर, क्योंकि ओलों ने सारी फसल नष्ट कर दी है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान के नाम या भगवान के लिए, ऑन द एनवलप, एनवलप मतलब लिफाफे पर, उसने लिफाफे पर लिखा भगवान के लिए या भगवान के नाम, पुट द लेटर इन साइड, पत्र को अंदर रखा, एंड स्टिल और अब भी ट्रबल, परेशान हालत में, वेंट टू टाउन, कस्बे चला गया, एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर पर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, स्टैम्प मतलब टिकट, उसने एक टिकट चिपका दिया, ऑन द लेटर पत्र पर एक टिकट चिपका दिया, एंड ड्रॉप्ड इट इन टू द मेल बॉक्स, और इसे डाक में डाल दिया, ड्रॉप मतलब डाल। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, वो आज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर में हेल्प्ड मतलब सहायता भी करता था, काम में सहायता भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने अधिकारी के पास गया, बॉस मतलब अधिकारी, लाफिंग हर्टिली, मन से मतलब खुलकर हंसते हुए, एंड शोड हिम, और उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, और उसे भगवान के नाम वह पत्र दिखाया अपने अधिकारी को। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, अपने डाकिया के रूप में कार्यकाल में, हैड ही नोन, उसने कभी नहीं जाना था दैट एड्रेस, वह पता, डाकिया के रूप में अपने पूरे कार्यकाल में उसने वह पता कभी भी नहीं जाना था या देखा था। द पोस्टमास्टर लेखपाल ए फैट, जो कि एक मोटा एमिएबल फेलो और मैत्रीपूर्ण साथी था, मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ा मतलब जोर जोर से हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट लेकिन लगभग, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, इमिडिएटली अचानक ही, लेकिन लगभग अचानक ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर, टैपिंग मतलब थपथपाते हुए, मारते हुए, द लेटर पत्र को, ऑन द डेस्क, और डेस्क पर पत्र को मारते हुए, थपथपाते हुए, कमेंटेड, उसने टिप्पणी की, कहा, क्या टिप्पणी की, व्हाट फेथ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कैसी आस्था है, आई विश, मैं चाहता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मेरे अंदर भी उस आदमी जितनी आस्था आ जाए मतलब भगवान के प्रति, हु रोड दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा, स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पोंडेंस विद गॉड, भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू करते हुए जिस आदमी ने यह पत्र लिखा है, मैं चाहता हूँ कि उस आदमी जितनी आस्था भगवान में मुझे भी हो जाए। कोरेस्पोंडेंस माने होता है पत्र व्यवहार। सो इसलिए, इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए राइटर्स फेथ, लेखक की आस्था को, इन गॉड भगवान में, टू शेक बनाए रखने के लिए, इसलिए लेखक की आस्था को भगवान में बनाए रखने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, लेखपाल को एक विचार सूझा, आइडिया मतलब विचार, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दो, बट वैन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इसे खोला मतलब जब उसने पत्र को खोला, लिफाफे को खोला, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मतलब क्लियर, स्पष्ट, यह स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, कि इसके उत्तर देने के लिए, ही नीडिड समथिंग मोर, इसे कुछ और चीज की भी आवश्यकता पड़ेगी, देन गुडविल, सद्भावना के अतिरिक्त, इंक शाही के अतिरिक्त, एंड पेपर और कागज के अतिरिक्त, लेकिन जब उसने लिफाफे को खोला तो यह बात स्पष्ट हो गई कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, शाही और कागज के अलावा भी किसी और चीज़ की आवश्यकता होगी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब निश्चय, स्टक मतलब अडिग, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहा, अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने धन मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं भी अपने वेतन का भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कई मित्र, वर ओबलाइज्ड, कृतज्ञ किए गए या कृतज्ञ थे, टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दया के इस काम में कुछ न कुछ देने के लिए, उसके कई साथी भी
कृतज्ञ थे, एहसानमंद थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए यह संभव था, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, टुगेदर इकट्ठा करना, टुगेदर साथ साथ, द 100 पीसोज उसके लिए, 100 पीसोज एक साथ इकट्ठा करना असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को आधे से केवल थोड़ा अधिक ही भेजने में समर्थ हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने धन को एक लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लेंचो, उस पर लेंचो का पता लिखा, एंड विद देम और उनके साथ ए लेटर एक पत्र भी रखा, मतलब धन के साथ एक पत्र भी रखा, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, कंटेनिंग मतलब जिस पर केवल एक ही शब्द लिखा था, यानी कि जो केवल एक ही शब्द को लिए हुए था अपने अंदर, उस पर केवल एक ही वर्ड लिखा था, शब्द लिखा था, एज ए सिग्नेचर हस्ताक्षर के रूप में गोड भगवान, उस पर उसने एक अंदर एक पत्र भी रखा जिसमें उन्होंने सुने गोड लिख दिया, जिससे कि ये लगे कि ये पत्र भगवान ने भेजा है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, बिट मतलब थोड़ा, अर्लियर मतलब पहले, लेंचो थोड़ा पहले आ गया, देन यूजुअल सामान्य समय ही थोड़ा पहले आ गया, कहाँ, डाकघर पर, टू आस्क पूछने के लिए, इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम का मतलब है कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। अगले रविवार को लेंचो डाकघर पर सामान्य समय से थोड़ा पहले आ गया, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह स्वयं डाकिया था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र दिया, स्वयं डाकिया ने उसको पत्र दिया, वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि लेखपाल एक्सपीरियंसिंग अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, ओपे मैन एक ऐसे आदमी की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया था, लुक डाउन और देख रहा था, फ्रॉम द डोर वे ऑफ हिज ऑफिस, और वह यह सब अपने दफ्तर के दरवाजे से ही देख रहा था। लेंचो शोड, शोड मतलब दिखाना, नोट द स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट मतलब तनिक, सरप्राइज आश्चर्य, लेंचो ने तनिक भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया, ओन सींग द मनी, धन को देखने पर, धन को देखने के बाद लेंचो ने तनिक भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, मतलब ऐसा उसका विश्वास था कि भगवान उसके पत्र का उत्तर जरूर देंगे, तो जब उसे भगवान का वह पत्र मिला तो उसने तनिक भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने धन को गिना तो वह नाराज हो गया, क्यों, क्योंकि उसमें तो 100 पीसोज नहीं थे, कम थे। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते हैं, नोर कुड ही हैव डिनाइड, नहीं वह उस बात को, उस चीज़ को मना कर सकते हैं, लेंचो वाट, लेंचो को वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने प्रार्थना की थी। लेंचो ने सोचा कि न तो भगवान कोई गलती कर सकते हैं और न ही वह उस चीज़ को मना कर सकते हैं जो लेंचो ने, जिसकी लेंचो ने प्रार्थना की थी। इमीडिएटली एकदम से लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पर गया, टू आस्क पूछने के लिए, मांगने के लिए, फॉर पेपर एंडिंग, एकदम से लेंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक मतलब सार्वजनिक राइटिंग टेबल, लिखने की मेज पर, मतलब जिस पर सब बैठकर लिख सकते हैं, सार्वजनिक लिखने की मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, विद मच रिंकलिंग, रिंकलिंग मतलब सिकोड़ते हुए, ऑफ हिज ब्रो मतलब अपनी भौहों को, अपनी भौहों को अधिक सिकोड़ते हुए, कोज्ड बाय द एफर्ट, जो उस प्रयास के कारण सिकुड़ रही थी, ही हैड टू मेक, जो उसे करना पड़ रहा था, टू एक्सप्रेस, दर्शाने के लिए, हिज आइडियाज, अपने विचारों को, अपने विचारों को व्यक्त करने में जो उसे प्रयास करना पड़ रहा था, उसके कारण उसकी भौहें अधिक सिकुड़ रही थी, जिसको आप कहते हैं कि माथे में तोड़ी पड़ना। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र को पूरा लिख लिया, फिनिश मतलब समाप्त कर लिया पत्र लिखकर, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया, टू बाई ए स्टैंप, एक टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया, विच ही लिक्विड, लिक्विड मतलब चाटा,
जिसने उसे चाटा, मतलब जिस पर उसने जीभ को लगाया उसको गीला करने के लिए। एंड देन और फिर अफिक्सड टू द एनवलप, लिफाफे पर चिपका दिया, फिक्स्ड मतलब चिपका दिया, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट मतलब मुट्ठी, और फिर उसको रखकर अपनी मुट्ठी के प्रहार से उसको लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट, उसी पल, दैट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जैसे ही पत्र डाक में डाला गया, द पोस्टमैन, द पोस्ट मास्टर लेखपाल वेंट टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए गया, इट सैड, इसमें लिखा था। अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या लिखा था, गॉड भगवान ऑफ द मनी, जो धन, दैट आई आस्क फॉर, जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, उसमें से केवल 70 पीसोज ही मुझ तक पहुँचे हैं, रीच माने पहुँचना, सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मतलब बचे हुए, मुझे बचे हुए पैसे, बचे हुए पीसोज भेज दीजिए, सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इस धन को मुझे मत भेजना थ्रू द मेल डाक के द्वारा। देखिए लेंचो क्या कह रहा है, लेकिन इस धन को, जो बचे हुए पैसे हैं, उसको मुझे डाक द्वारा मत भेजना, क्यों, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारी, क्योंकि डाक घर के कर्मचारी और ए बंच मतलब समूह हैं, ओप क्रुक्स मक्कारों का समूह है, दुष्टों का समूह है, बेईमान व्यक्तियों का समूह है, लेंचो, और फिर बाद में उसने अपना नाम लिख दिया। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपका ये लेसन, ए लेटर टू गॉड समाप्त होता है। थैंक्स।